हेलो दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बकरियों का जो शेड अपन तैयार करते हैं उसमें अपन क्या टेक्निक अपनाएं जिससे हमारा जो कैपिटल है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे प्रॉफिट गेन कर सकें, और जो हमारा कैपिटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रीड्स पर, बकरियों पर इन्वेस्ट हो और इस पर डेड मनी के रूप में इन्वेस्ट ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी और साथ में इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा भी। इससे पहले मैंने भी आपको वीडियो के बारे में, फार्म कंस्ट्रक्शन के वीडियो के बारे में मैंने बताया भी था कि कैसे बनाते हैं इसको, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको नंबर ऑफ गोट्स के ऊपर डिपेंड करना है कि भाई कितनी आपको गोट्स रखनी है, उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, उसका फार्म को कंस्ट्रक्शन करना है। अब जो नाइट स्टे का रूम है, मैं मेनली उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि नाइट स्टे का रूम अपन को कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है कि चारों साइड से दीवार खड़ी करनी है और उसमें क्या करना है आपको, 5 फीट तक दीवार लेकर जानी है और जो ऊपर का रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्या करना है आपको, फेंसिंग से कवर्ड कर देना है, है ना। उससे फेंसिंग लगा कर और फिर बाद में कवर्ड भी कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रखें ये बनाते समय कि जो ईस्ट और वेस्ट की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, इनको आप फुली कवर्ड करके रखें, हो सके तो करके रखें, क्योंकि जो डायरेक्टली पड़ने वाली रोशनी है वो नहीं पड़ेगी। और कोशिश करें कि जो नॉर्थ और साउथ, है ना, उत्तर और दक्षिण की जो दीवारें हैं उनको कैसे खुली करके रखें, क्योंकि अपन जो विंड डायरेक्शन होता है वो इसी के पैरेलल ही फ्लो करती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे फ्लो करती है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइट स्टे के रूम में आप कैसे, है ना, में पक्का फर्श ना करके अगर आप सस्ती से सस्ती बालू का उपयोग करें, रेत का उपयोग करें उसे, तो कैसे आप उसको एक इफेक्टिव नाइट स्टे का रूम तैयार कर सकते हैं जिससे बकरियों को क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज मिलता है उनको। मैं उसके बारे में बताऊंगा भी कि जैसे रेट का नेचर कैसा होता है, वो अपना रिवर्स ऑर्डर पर चलता है। पहला क्या हो जाता है कि अगर जैसे हम गर्मियों की बात करें, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो रेत का नेचर होना कैसा चाहिए कि गर्म होना चाहिए, परंतु जब ये रात के समय पर क्या हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, और यही इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। कैसे, जब अपन क्या करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, ठंड के बारे में बात करते हैं, तो रेत कैसी हो जाती है, रेत एकदम गर्म हो जाती है, जो बकरियों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहती है। दूसरा इसका एक फ़ायदा और मैं बता देता हूँ कि जो बकरियाँ इसमें टॉयलेट करती हैं, बीट करती हैं, वो क्या हो जाता है कि इसमें मिक्स हो जाता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती हैं बकरियाँ, तो गंदी नहीं होती हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बकरियों में जो ज़्यादातर मेनली बीमारियाँ होती हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से आने से ही होती हैं, या एक दूसरे के टॉयलेट को जब वो सूंघती हैं, टच करती हैं, उससे ही ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो अपन इससे डायरेक्ट कांटेक्ट हट जाएगा, जब भी वो टॉयलेट करेंगे तो जो रेत होगी वहाँ पर वो इजीली ऑब्जर्व कर लेगी। और इसका मार्केट प्राइस भी रेत का नॉर्मली आपको सभी लोगों को पता है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। इसको करना कैसे है कि आप एक कच्चा फर्श बनाइए और उसे उसमें उसको बढ़िया छान कर 6 इंच क्या कहिए उसको, आप 6 इंच उसको बिछा दीजिए, है ना, जिससे क्या हो जाएगा कि जो बकरियाँ जब उस पर बीट करेंगी, टॉयलेट करेंगे, तो वो इजीली ऑब्जर्व हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसके बारे में दिखाऊँगा। ये हमारे ऑफिस के सामने ही हमने एक छोटा सा बनाया हुआ है, एक मॉडल के रूप में बनाया हुआ है। आज मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे इसको हमने प्रिपेयर किया है, कैसे तैयार किया है, और ये कैसे आप भी अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं, है ना, जिससे कम से कम खर्चा होगा। देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि इसमें रेत पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, इसको देख कर बता सकता हूँ मैं। देखो, जैसे यहाँ पर ये 6 इंच करीबन हमने क्या किया हुआ, रेत से इसको फिल किया हुआ है। ये रेत तो क्या करती है, मदद करती है हमारा कि जो भी बीट इसमें बकरियां करती हैं वो, देखिए इसमें बीट भी मिक्स हुई है, और जो भी टॉयलेट वगैरह बकरियों ने की तो इजीली ऑब्जर्व कर ली जाती है ना, तो इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो रेत का एक जो नेचर रहता है, जो इसका नेचर है वो रिवर्स ऑर्डर पे चलता है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे गर्मियों में देखें तो इसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, गर्मी के हिसाब से गर्म होना चाहिए, परंतु इसका उल्टा होता है। ये गर्मियों में ठंडी रहती है और ठंड के समय पर ये गर्म हो जाती है, गर्म रहती है, जो बकरियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बकरियों को सूट करती है। दूसरा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ये है कि जो हम इस पर लेबर लगाने वाले हैं, वो लेबर भी इसे डेली डेली बकरियों की बीट साफ करने से बचेगी,
है ना, तो वो भी इजिली सारी चीजें फोकस ध्यान दे पाएगी हमारी किस पर, फीडिंग कॉस्ट पर, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको मैंने बताया है ना, तो ऐसी जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आप मुझे बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, और भी बकरियों से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझे क्या कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे